हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी की सो so आई आई गुवाहाटी तो देखिए Uh, सबसे लाइक like, वीडियो भी मैंने स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि आई बॉम्बे के वाले वीडियो में भी किसी ने पूछा था एंड अभी में भी इसके बाद भी पूछे तो जो रेगुलर फॉर्म्स आते हैं ना सारे आई के वो आएंगे वो मार्च अप्रैल से देखने को आपको मिल जाएंगे वन बाय वन ठीक है वो डिफरेंट है बट कई uh, सारे आई में स्पेशल ड्राइव्स होते हैं या फिर फॉर्म uh, जैसे वन मोर थिंग कि आई इंदौर के जो फॉर्म्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं ठीक है तो आई इंदौर के केस में क्या होता है डिपार्टमेंट वाइज ना रेगुलरली आप देखेंगे ये कभी एक डिपार्टमेंट का कभी दूसरे डिपार्टमेंट का फॉर्म ओपन रहता है तो जैसे बाकी आई का हमने देखा है एक सात फॉर्म आता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए वैसे आई इंदौर में नहीं होता है तो अभी भी अगर आप में से किसी को आर इंदौर में इंटरेस्ट हो तो देख लीजिएगा आई एम नॉट श्योर वो वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है इसके इस वीडियो के बाद करूंगी बट हाँ आप वेबसाइट जरूर विजिट कर लीजिए कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके फॉर्म्स एक्टिव हैं ठीक है तो वो रेगुलर फॉर्म्स हैं ठीक है बट हाँ जैसे अभी मैं आर गुवाहाटी डिस्कस करने वाली हूँ तो ये स्पेशल ड्राइव है एंड जो रेगुलर फॉर्म्स हैं वो भी आएंगे सिमिलरली आई टी डेली एंड आई टी बॉम्बे के फॉर्म्स एक्टिव हैं बट वो जो कोलाबोरेशन है इनका आई टी बॉम्बे का मुनाश के साथ के साथ एंड आई टी डेली का क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के साथ तो वो फॉर्म्स एक्टिव हैं एंड ट्रस्ट मी जितना पॉसिबल हो सके आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ट्राई करना चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट हैं पर आपको पता है सीट्स कम होती हैं एंड अगर आपको बाहर अच्छे अच्छे बेनिफिट्स के साथ अच्छी रिसर्च करने को मिले तो उसमें प्रॉब्लम क्या है राइट right. तो आपको ट्राई करना चाहिए होना ना होना एक डिफरेंट थिंग है एनी anyway, वे आज के इस वीडियो में हम हाटी गुवाहाटी से रिलेटेड जो स्पेशल ड्राइव मैंने बोला तो जो फॉर्म्स आए हुए हैं उसी को डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप वीडियो हेल्पफुल लगेगा आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा एंड जो भी डिले हो रहा है आई एम ट्राइंग की सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं कवर कर सकूँ और फिर से डिले ना हो तो हाँ एनी वे आर टी जी डॉट ए सी डॉट इन ये है वेबसाइट इस पर जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन ये दिख रहा है अनाउंसमेंट में एडमिशन टू तो पी एच डी प्रोग्राम अंडर स्पेशल स्कीम फॉर यू जी सी सी एस आई आर जे आर एफ तो जे आर एफ के लिए है बाकी सभी चाहे तो उस वीडियो को स्किप कर सकते हैं सो चलिए हम ओपन करते इस नोटिस को और ओपन कैसे करना है तो यहाँ पे आप मेन्यू टैब पे जाएंगे तो एडमिशन नोटिफिकेशंस हैं यहाँ पे है स्पेशल पीएचडी मार्च 2023 तो अब हम इसे ओपन करते हैं सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो देखिए स्पेशल स्कीम है एंड जो सब्जेक्ट्स हैं वो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स हैं राइट तो केमिस्ट्री फिज़िक्स कैटेगरी में यूजीसी या सीएसआईआर फेलोशिप होनी चाहिए एंड रेगुलर कैटेगरी ही है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे है कन्वर्ट नहीं किया जाएगा इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में ठीक है इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें सो जो पोर्टल है वो सेकेंड ऑफ मार्च को क्लोज हो जाएगा राइट right? तो पाँच बजे से पहले सेकेंड मार्च से पहले आप अप्लाई कर दीजिए बाकी सेलेक्शन जो थ मार्च को कंडक्ट करवाए जाएंगे मोड एंड स्केड्यूल क्या होगा पीएचडी सिलेक्शन का सो तो सभी चीजें ऑनलाइन हैं सारे स्टेज जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होंगे किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू मे बी बाई लाइक एमएस टीम्स को यूज किया जा सकता है या फिर जी मीट को तो ये डिपेंड करेगा बट आपको वहां पर जाना नहीं होगा सारी ही चीजें ऑनलाइन ही होंगी फिजिक्स का होगा एटीन को एंड केमिस्ट्री का होगा एटीनथ नाइनटीन्केड्यूल तो अभी यही है नेक्स्ट यहाँ पर सीट मैट्रिक्स तो फिजिक्स में ना टोटल फिफ्टीन सीट्स तो देखिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है से सो इस से इसमें तो ओपन है ठीक है बाकी ई की एक है एंड एन एससी की टू है एंड एस टी की वन है केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल फोर्टीन है जिसमें थ्री ओपन है टू ई डब्ल्यू एस है सिक्स ओबीसी की है एंड वो थ्री एस सी की है ओके okay. तो फिफ्टीन सीट्स एंड फोर्टीन सीट्स अवेलेबल हैं एंड येस uh, yes, उसके बाद एप्लीकेशन पोर्टल आपने देखा आपको दो जगह भी दिख रहा है तो आपको मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी बाकी आपको दोनों में करना वो भी कर सकते हैं बट फी वगैरह सेपरेटली करनी होगी सो थ्री स्टेप का प्रोसेस है एंड आप सेलेक्ट करने के बाद फाइनली थर्ड स्टेप में एप्लीकेशन भी पे करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे फ़ी की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सभी के लिए आप किसी भी कैटेगरी के हो आपके लिए 150 है एंड बाकी एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी मेल फीमेल सबके लिए 150 है ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए भी 150 है सिर्फ जो बचे मेल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के तो उनके लिए है थ्री हंड्रेड जनरल ओ बी सी डब्ल्यू एस सभी के लिए ठीक है सिर्फ मेल के लिए नेक्स्ट सेलेक्शन प्रोसेस है तो यस आपने देखा कि एंट्रेंस वगैरह तो आई डोंट थिंक होगा डायरेक्टली यहाँ पे परफॉर्मेंस जो भी आपका नेट वग़ैरह कर रहा है क्वालिफाइंग डिग्री है बाकी अकेडमिक जितने भी आपने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए हैं टेंथ से स्टार्ट करके तो वो सब एक बेसिस फॉर्म करेंगे तो इंटरव्यू आई थिंक होगा बाकी आपको बाद में पता चल जाएगा ठीक है एंड देन रिजल्ट वगैरह आएगा फिर शॉर्ट शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कॉन्टैक्ट uh, कर सकते हैं डिपार्टमेंट हेड को कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ से मिल जाएंगी राइट देन येस ये कुछ पॉइंट्स हैं तो इन्हें देख लीजिएगा फिलहाल के लिए क्राइटेरिया uh, की एक बार हम बात कर लेते हैं वैसे आपने देखा कि जे होना चाहिए तो अगर आप जे हैं तो बेसिकली मास्टर्स वगैरह तो आपने किया ही होगा ना तो आप एलिजिबल हैं बाकी प्रीवियस वीडियोज़ आप देख सकते हैं एंड uh, एक बार हम देख लेते हैं कि क्या है क्राइटेरिया सो so यस yes, ये है जनरल क्राइटेरिया एंड यही फॉलो होता है तो आपके पास मास्टर्स या फोर ईयर बैचलर्स होना चाहिए नेक्स्ट यहाँ पे मास्टर्स डिग्री के मार्क्स की बात करें तो सिक्सटी परसेंट मार्क्स तो बेसिकली मास्टर्स है सिक्सटी परसेंट के साथ आप एलिजिबल हैं या डायरेक्टली कर रहे हैं बैचलर्स के बाद अप्लाई तो देख लीजिएगा बट हाँ जे आर एफ मैंडेटरी है ठीक तो है तो जे आर एफ है सी एस आई या सॉरी या यू जी सी का तभी आप एलिजिबल हैं मार्क्स सिक्सटी परसेंट ही रिक्वायर्ड है बाकी आप देख सकते हैं कि रिलैक्सेशन वगैरह भी है फिर बाकी यहाँ पे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वाइज भी फॉर्मेशन है तो डू चेक इट आउट एंड आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड दैट इज इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो